लोधरा पुलिस ने दो बैन सूबा एडकेट गैंग गिरफ्तार कर लिए। 70 लाख से ज्यादा मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया। डीपीओ लोधरा अब्दुल रऊफ बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गैंग्स में चनशा गैंग और मुमताज और मुमताजी गैंग शामिल हैं। चनशा गैंग के अरकान सुबह भर के मुख्तलिफ थानों के 26 मुकदमात में मतलूब हैं। चनशा गैंग से एक क्लाशनकोफ, एक राइफल, एक रिपीटर, 2 पिस्टल को बरामद किया गया। मुलजमान के कब्जे से 142 बोतल विलायती शराब और 39 लाख का माल मसरूका भी बरामद किया। मुमताज और मुमताज गैंग के कब्जा से 22,50,000 रुपए का माल मसरूका बरामद हुआ। उन्होंने कहा कि पुलिस अपने तमाम वसाइल पूरे काल लाते हुए बेहतरीन अंदाज में काम कर रही है। हम कानून के दायरे में रहते हुए लोधरा शहर को जराइम से पाक बनाएंगे। पुलिस के साथ साथ शहरियों पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि जराइम पेशा अफराद की निशानदेही करें। पुलिस अपने फराइज से गाफिल नहीं है। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बरसरे पेकार है। आवाम को पैगाम है कि आप भी जागें और पुलिस को भी जगाएं। पुलिस और आवाम मिलकर ही इस मुआशरे को पुरअमन बना सकते हैं। माल मसरूका की बरामदी पर मुदईयों ने डीपीओ लोधरा और उनकी टीम एसएचओ सदर लोधरा रियाज सियाल को मुबारकबाद भी पेश की।